सर ओवैसी ने इस बार राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि आप हिम्मत है तो हैदराबाद में आके ओवैसी अगर इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक है तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए, आइए ना हैदराबाद में, बोले मोदी जी को। राहुल गांधी भी देश के नेता है, देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा यह कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए, हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहां आकर चुनाव लड़िए, राहुल जी वह आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। और चीज कहते हैं कि पार्लियामेंट जिस प्रकार से बयानबाजी उसको लेकर कह रहे कि आने वाले समय में शायद हो सकता है मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो पार्लियामेंट उनके साथ, उनकी इस बयान को किस तरह देखा। देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए वो ठीक नहीं है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान कानून नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव कर लड़ते हैं, तो ओवैसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लिखा है कि आप लोग आपके ऊपर और जो विधान परिषद विपक्ष नेता है हिंदुस्तान के खिलाफ अभियोग चला रही है, किसके ऊपर? आपके ऊपर और वो राणे ने लिखा है, नीतीश राणे ने लिखा है कि आपने ऐसे बयान दिए दबाव बनाया। हाँ हाँ ठीक है, दबाव अध्यक्ष के ऊपर हमारा नहीं है, दिल्ली का है, दिल्ली का दबाव है। अगर दबाव नहीं होता तो अब तक एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद अगर ये विधानसभा के अध्यक्ष कानून से काम नहीं करते, संविधान से काम नहीं करते, तो दबाव किसके ऊपर है और कौन डाल रहा है? भाई ये जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष महोदय ने अब तक इतनी पार्टियां बदल दी है तो उनको पार्टी बदलने में कोई खराबी नहीं लगती।